नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन बेस। सोने और चांदी को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इस वक्त देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बहुत ही बड़े संकट से गुजर रही है और ऐसे में इसका सबसे बड़ा असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी पड़ा है, जिसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर है। खबर है कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर 10 ग्राम का सोने का भाव। जी हाँ, बुलियन मार्केट में सोने के रेट में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला। आज सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10 ग्राम सोने का रेट अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। देश में लगातार तेजी से मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन की अवधि को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि लॉकडाउन की अवधि को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से सराफा बाजार भी बंद रहेगा, हाजिर बाजार के भाव नहीं आएंगे। लेकिन वायदा बाजार में आज बड़ी तेजी दर्ज की गई है। वही कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि निकट भविष्य में भारत में सोने का भाव 50,000 रुपए से ऊपर तक जा सकता है। उनका कहना है कि सोने का भाव 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक के स्तर को छू सकता है, क्योंकि जब आर्थिक आंकड़ों में गिरावट आएगी तो सोने के प्रति निवेशकों का रुझान और भी ज्यादा बढ़ेगा। वही अगर कीमतों की बात करें तो सोने के वायदा भाव में 750 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद सोने का भाव 45,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सोने का भाव पहली बार 45,000 के ऊपर तक पहुंचा है। वही चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी के भाव में 270 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद चांदी का भाव 42,990 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। आपको याद दिला दे कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन है और दिल्ली का सराफा बाजार भी बंद है, और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। वही भारत के बड़े शहरों की बात करें तो यहां पर 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत दी गई है, जिसमें चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहां पर आपको दी गई है। चलिए, तो अगर आप भी मानते हो कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।